नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से। टुडे इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो बाय अ पेशेंट अबाउट द एपिड्यूरल लेबर, एपिड्यूरल एनल्जेसिया विच इज़ गिवन ड्यूरिंग लेबर टू गेट रिलीफ ऑफ द लेबर पेन्स। तो लेबर पेन्स जो हैं, इट इज़ द जो कि अब तक कहा गया है कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन होता है जो कि एक वीमेन सफ़र करती है। तो जब ये लेबर पेन होता है तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि दर्द ना हो। मतलब मैंने पेशेंट्स देखी हैं जो कि टाइम आने से पहले, कि जब हम कह देते हैं कि नवा महीना शुरू हो गया है, कभी भी दर्द आ सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ हो तो आपको दिखाना है, तो तभी से उनमें एक एंग्जाइटी पैदा हो जाती है कि कैसा होगा, कैसे होंगे, क्या मैं टॉलरेट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ये सब एंग्जाइटी इश्यूज़ एक पेशेंट में आने लग जाते हैं। दैट कैन गिव बर्थ टू स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस हो सकता है। पेन रिलीविंग मेथड्स टू गेट रिड ऑफ लेबर पेन्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी हुआ, वार्म वाटर से बात हुई, या उस टाइम पे बैक रब करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। बट द मोस्ट कॉमन एंड द साइंटिफिक मेथड वी कैन यूज़ इज़ एपिड्यूरल एनल्जेसिया। व्हाट इज़ एपिड्यूरल एनल्जेसिया, कैसे दिया जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इज़ इट सेफ फॉर यू एंड योर बेबी और नॉट, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। एपिड्यूरल एनल्जेसिया में आपकी बैक को अपन रब करते हैं विद बीटाडीन, फिर प्रिपेयर करते हैं, क्लीन करते हैं। देन एक टाइनी नीडल होती है जो कि पास की जाती है लंबर रीजन ऑफ द बैक, फिर उसमें एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और कैथेटर वहीं पे प्लेस किया जाता है, नीडल वापस निकाल ली जाती है और उस कैथेटर में एक पंप लगाया जाता है, वहाँ से आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं। मेडिकेशंस टाइम टू टाइम दी जाती हैं एंड इट इज़ नॉट गिवन बाय ऑब्स्टेट्रिशियंस, नॉट गिवन बाय अस, इट इज़ गिवन बाय एनेस्थेटिस्ट्स। वो आपसे पहले बात करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे दैट यू आर सेफ टू गेट एपिड्यूरल और नॉट। तो ये सब बातें की जाती हैं, उसके बाद में आपको एपिड्यूरल के लिए फेयर मेंटली प्रिपेयर्ड, देन इट इज़ गिवन टू यू। नाउ और ये करता कैसे, कैसे वर्क करता है, द मेडिकेशंस जो कि आपके कैथेटर से दी जाती हैं एपिड्यूरल स्पेस में, हाँ जो ये निडल है ये कहाँ है, एपिड्यूरल स्पेस में है, नॉट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मेडिकेशंस दी जाती हैं वो क्या करती हैं, जो नर्व सिग्नल्स जो कि पास होते हैं फ्रॉम यूट्रस एंड सर्विक्स, उनको बंद कर दिया जाता है टू रीच देयर ब्रेन एंड स्पाइन। इवन कब दिया जाता है, जब आपका सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह जो है, जब वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है तब आपको एपिड्यूरल दिया जाता है। Now, how long does it take to give epidural? Epidural takes around 15 to 20 minutes to get set up. 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको लगाने में, और फिर जो medications दी जाती हैं, either faster or slower medications, according depending on you and depending on the provider or the anesthetist who is giving you the medications. जो faster medications होते हैं वो fast work करती हैं, जो slower medications होते हैं वो slow work करती हैं। Dose you can decide कि आपको high dose चाहिए, आपको low डोज चाहिए, डिपेंड्स ऑन कितनी डोज आप हैंडल कर सकते हैं और आपका एनेस्थेटिस्ट फील्स सेफ टू गिव यू, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ कब तक ये लास्ट करता है, एपिड्यूरल कब तक लास्ट करता है, एपिड्यूरल जब तक आपको हम डोज देते रहते हैं तब तक ये लास्ट करता है। लास्ट में जब अपन निकाल देते हैं एपिड्यूरल कैथेटर वगैरह निकाल देते हैं, तो कुछ टाइम में ही आपका वीन ऑफ हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो वीन ऑफ हो जाता है। नाउ हु कैन गेट एपिड्यूरल, एवरीवन कैन गेट एपिड्यूरल। जिसको ये है कि मुझे लेबर पेन नहीं झेलना है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं पेन टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो चींटी काटने का दर्द हो जाता है, मैं तो रुई जैसी हूँ, तो उन लोगों के लिए एपिड्यूरल बहुत ही सेफ रहता है और उनको भी फील कॉन्फिडेंट एंड फील गुड कराता है। तो लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनमें एपिड्यूरल नहीं दे सकते हैं, जैसे कि इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर ब्रेन का और स्पाइन का कोई डिफॉर्मिटी है या उनका कोई डिसऑर्डर है जो कि एनेस्थेटिस्ट आपको जब हिस्ट्री लेगा तो वो रूल आउट करेगा, देन ही विल फिट यू फॉर योर एपिड्यूरल एनेस्थीशिया। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिड्यूरल एंड स्पाइनल एनेस्थीशिया। तो जो एपिड्यूरल का जो कैथेटर जो पास किया जाता है, वो जो CSF फ्लूइड होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके बाहर एक एपिड्यूरल स्पेस होता है, वहीं पे ही वो प्लेस किया जाता है, जबकि स्पाइनल एनेस्थीशिया की निडल CSF में फ्लूइड में दी जाती है। तो जो
स्पाइनल निडल जो होती है उसका इफेक्ट आपको कुछ टाइम के ही लिए दिया जाता लिए रहता है, क्योंकि वो एक सिंगल इंजेक्शन अपन देते हैं, लेकिन एपिड्यूरल का इफेक्ट जब तक आप चाहते हैं तब तक आप रख सकते हैं, क्योंकि डोजेस हम टाइम टू टाइम एनेस्थेटिस्ट आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. नाउ एपिड्यूरल मान लो कि आपको एपिड्यूरल अपन ने दिया है लेबर के दौरान, लेकिन आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई है, आपको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट कैथेटर से ही अपन डोज बढ़ा के उसमें डोज दी जाती है, और वहीं पे अपन LSCS में आपको अलग से स्पाइनल नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही डोज बढ़ा के वही एपिड्यूरल आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द एनेस्थीशिया बाय विच यू कैन गेट योर सिजेरियन सेक्शन डन. Now the question is, can it affect my baby? No, it doesn't affect your baby. It is very safe for your baby. It provides you the safe delivery and the safe baby without pains. Now coming to the complications, what are the complications of epidural anesthesia? The most common is itching ho sakti hai, aapko hypertension ho sakta hai, which can be managed by fluids. Fluids dete hain. Post procedure headache ho sakta hai. It is in 1-2% of the procedures. कई लोगों में पर्सिस्टेंट हेडेक देखने को मिला है, तो पर्सिस्टेंट हेडेक के लिए मेडिकेशंस शुरू की जा सकती हैं आफ्टर गेटिंग योर डॉक्टर्स एडवाइस. नेक्स्ट आपको फियर होता है कि आपको लॉन्ग टर्म बैकएक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. एपिड्यूरल से कोई लॉन्ग टर्म बैकएक नहीं होता है. ये जो एक मिथ्या है जो पुराने लोगों में, जो इसको तोड़ने को तैयार नहीं है, भाई सुई लगी थी उस टाइम 15 साल पहले सुई लगी थी, उससे मेरे अभी तक दर्द है, जो कि स्पाइनल के लिए कहा जाता है, स्पाइनल एनेस्थीशिया के लिए. तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उस सुई का दर्द आपको 15 साल बाद में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो अंधविश्वास है इसको निकालने की ज़रूरत है. उस सुई का कोई दर्द नहीं होगा, वो भी 15 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा. वो स्पाइनल एनेस्थीशिया है, उसकी डोज दी गई, आपको इफेक्ट आया, आपका सिजेरियन हो गया, आपको पेन नहीं हुआ, बस ख़त्म, 6 आवर्स में ख़त्म. उसका कोई इफेक्ट आपको 15 साल छोड़ो आपको 15 दिन बाद नहीं आएगा. तो ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस बिलीव्स हैं, जिनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है. धीरे धीरे सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो एपिड्यूरल के बारे में मैंने आज आपको बताया. अगर आपको लगता है कि यू वांट एपिड्यूरल फॉर योर लेबर, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. और देखो अपने जो लेबर जो डिलीवरी का जो जर्नी है, जो पेन की जो जर्नी है, अगर थोड़ा बहुत पेन आप टॉलरेट कर सकते हैं तो पेन टॉलरेट कीजिए. नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी हैप्पी जर्नी चाहिए अपने लेबर की, अपने डिलीवरी की, यू कैन गेट एपिड्यूरल. इट इज़ वेरी सेफ एंड उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. तो जब आपको एपिड्यूरल दिया जाएगा, आपकी जो इरिटेबल जर्नी है, जो पेनफुल जर्नी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ हैप्पी जर्नी विदाउट पेन्स. लास्ट में थोड़ा सा पुशिंग इफेक्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है इफ़ यू डोंट फील द पेन्स. तो लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होती है. नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट्स काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग सफरिंग फ्रॉम पेन ऑफ 8-12 आवर्स, तो लास्ट में पुशिंग इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं. बट इन एपिड्यूरल एनेस्थीशिया तो आपको इतने पेन्स होते ही नहीं है. यू डोंट फील द पेन, बट यू कैन फील द टच एंड द प्रेशर, यू कैन फील इट. तो उसमें आपको जो लास्ट में जो पुशिंग इफेक्ट्स होते हैं, वी कैन गेट इट गुड और वी कैन गेट इट लेस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच पेन यू आर फीलिंग एट दैट टाइम. तो वो सब चीज़ें वो हम मैनेज करते हैं और आप अपनी हैप्पी जर्नी फील कर सकते हैं, सेफ जर्नी फील कर सकते हैं बाय एपिड्यूरल एनेस्थीशिया. सो इफ़ यू फील गुड यू कैन गो फॉर इट, एंड इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट यू कैन गो फॉर इट. बट टेक द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर एंड योर एनेस्थेटिस्ट. अगर आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें ये रिस्क हो जाएगा, इसमें वो रिस्क हो जाएगा, तो डॉक्टर से बात कीजिए. आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ही आपको इसके लिए जाना है, वरना यू कैन चूज़ योर ऑप्शंस. थैंक यू. बी हैप्पी, बी सेफ़.